अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल ज़फ़निया व्लॉग एंड अदर व्लॉग। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और हम सब भी ठीक हैं। तो आज मैं कुछ बनाने जा रही हूँ बच्चों के लिए स्पेशल, और वो है बच्चों के लिए स्नैक्स मैं बनाने जा रही हूँ। वो आप लोगों के साथ उसकी मैं रेसिपी शेयर करती हूँ। और वो देखने से पहले जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से जाके पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर लाजमी कीजिएगा। चले आए आपके साथ शेयर करती हूँ आज के स्नैक्स की रेसिपी। ये दरअसल स्नैक की रेसिपी मैंने यूट्यूब पे देखी थी, लेकिन उन्होंने काफ़ी कुछ अंदर डाला था लेकिन बच्चों ने खाना था, तो इसके अंदर मैं थोड़ी सी चेंजिंग लेके आई हूँ और वो मैं बनाने लगी हूँ बच्चों के लिए। अब वो बनाती हूँ, आपके साथ शेयर करती हूँ और देखते हैं बच्चों को पसंद आती है या नहीं। ले लिया है आटा, एक कप ये मैंने आटा लिया है, और आलू यहाँ पर बॉयल हो रहे हैं। एक कप आटा लेके इसके अंदर मैं डालूंगी हस्बे ज़रूरत नमक और पिसा हुआ ज़ीरा। और 2 चम्मच ऑयल। और ये ले लिया है, जैसे मैंने आपको बताया था, एक कप आटा था, नमक, ज़ीरे का पाउडर, ज़ीरे को मैंने हल्का सा ब्राउन करके पीस लिया था, और 2 चम्मच ऑयल लिया। इसको मिक्स करूँगी, इसको वैसे ही गूंदना है जैसे आम आटा गूंदा जाता है घर का रोज़। ये मैंने रेसिपी देखी थी यूट्यूब पे, तो सोचा कि मैं भी शेयर करती हूँ, बनाती हूँ। और अब मैं इसके अंदर पानी डाल के इसको गूंदती हूँ। और ये आटे को गूंद लिया है और अब इसको कवर कर देती हूँ। जैसे कि रोज़ का हम आटा गूंदते हैं, उससे थोड़ा सा सख्त हम लोगों ने गूंदना है। और बहुत प्यारा लग रहा है, जब मैं गूंद रही थी बहुत ज़्यादा अच्छी खुशबू इसमें से ज़ीरे की आ रही थी। इसको कवर कर दिया 10 मिनट्स के लिए, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। और जब तक ये मैं अपने आलू देखती हूँ रेडी हो गए हैं, तो जो भी इसके साथ करना वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये आलू जो थे उसको हम लोगों ने मैश कर लिया ठंडे करके। अब इसके अंदर डाल रहे हैं हम प्याज, और प्याज डालने के बाद ये है नमक, और ये है चाट मसाला, और ये है गरम मसाला, और ये लाल मिर्च है। ये हम सारी चीज़ें इसके अंदर ऐड कर देंगे और अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये रोटी को बेल लिया है, और इतना इसको बेलना है कि ना ज़्यादा मोटी हो और ना पतली। और अब ये जो फिलिंग रेडी की है वो इसके अंदर हम लगा देंगे सारी। और अब इसके अंदर हमने फिलिंग लगा के रोल कर ली है, और ये जो कॉर्नर्स हैं इसको हम बंद कर देंगे, और ये इजली हो जाए तो इसीलिए हम इसको 2 पीसेस में डिवाइड कर लेते हैं। और अब हम इसको कट कर लेंगे। देखिए ये अब हमने कट करके रख लिया इसको, और अब ये मैंने एक बना लिया है और आपके साथ दूसरा भी शेयर करती हूँ। इसको ऐसे लेके, ये लंबा होगा, फिर इसको ऐसे हम लोग हाथ से दबा लेंगे। मैक्सिमम हमने ऑयल में डाल दिया, और बिल्कुल मीडियम रखनी है हम लोगों ने जो फ्लेम है, बिल्कुल मीडियम रखना है, क्योंकि ये आटे का है, इसमें बहुत जल्दी फिर पक जाएगा और जल जाएगा, तो इसीलिए हम लोगों ने बिल्कुल स्लो पे बना रहे हैं। और ऑयल ज़्यादा गर्म नहीं था, मीडियम ऑयल गर्म था। और अब ये फ्राई हो रहे हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ रेडी होते हैं। तो जो मैंने पहले डाले थे कितने प्यारे और छोटे छोटे ब्राउन ब्राउन से क्रिस्पी से रेडी हो गए हैं, और बाकी जो थे वो मैंने और डाल दिए अंदर, और ये बहुत देखने में तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। अब बच्चे खाएंगे तो फिर बताएंगे कि कैसे बने हैं। ये मैंने स्ट्रेनर में डाल दिए थे।
स्ट्रेनर में डाल दिए थे कि जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो स्ट्रेनर के ज़रिए निकल जाए, और ये भी बस रेडी होते हैं, फिर बच्चों को खिलाते हैं, बच्चे बताएंगे कि कैसे बने। आए हबी जी ड्यूटी से तो उनके लिए चाय गर्म की है और साथ ही दे रही हूँ, वो खा के बताएंगे कैसे बने। व्यूअर्स, तो हमारे हो गए स्नैक्स रेडी, अब मैं नीचे रूम में लेके जा रही हूँ, पप्पो को टेस्ट करवाती हूँ कैसे बने हैं, और फिर बच्चे भी आके टेस्ट करेंगे कैसे बने हैं। यूनिवर्सल रेसिपी हमारी हो गई थी रेडी और बच्चों ने खाया, बहुत इंजॉय किया बच्चों ने, बहुत पसंद आया उन्हें, और मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद आया। वो आए थे ड्यूटी से तो मैंने उनको टी के साथ सर्व करके दिए, वो स्नैक्स उनको बहुत टेस्टी लगे, तो वो बोल रहे थे कल दोबारा बनाना। मैंने कहा जी ज़रूर, कल है संडे और सबके लिए बनाएंगे, शाम की चाय के साथ सब खाएंगे। और आज का व्लॉग हमारा यहाँ तक ही था, उम्मीद है कि आपको व्लॉग पसंद आया होगा। शेयर लाजमी कीजिएगा और कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि आपको मेरी आज की ये डिश कैसी लगी, और आप लोग भी लाजमी ट्राई कीजिएगा और अपने बच्चों को बना के खिलाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।